योगी आदित्यनाथ से मिलने पहुंचा एक सिख व्यक्ति और हो गया बवाल। मामला गोरखनाथ मंदिर का है, जब एक सिख यूपी के सीएम से मिलने पहुंचा था। योगी के सुरक्षा अधिकारियों ने पहले तो तेजपाल सिंह नाम के सिख से उसके कृपाण को लेकर सवाल किए और फिर उसके बाद पगड़ी उतारने को कहा। दरअसल तेजपाल सिंह गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने पहुंचा था और योगी से मिलने के लिए जब वो अंदर जा रहा था तो वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने तेजपाल से उसके कृपाण को लेकर सवाल किए और फिर उसको पगड़ी उतारने को बोला गया, जिसका तेजपाल सिंह ने विरोध किया। काफी देर तक बहस चली, वहां मौजूद लोगों ने भी तेजपाल सिंह का साथ दिया, जिसके बाद तेजपाल सिंह की मुलाकात यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से हुई। तेजपाल सिंह ने बताया कि योगी से मिलने के लिए जब वह अंतिम सुरक्षा घेरा पार कर रहा था तो वहां मौजूद एसएन सिद्धार्थ नाम के अधिकारी ने उससे कृपाण और पगड़ी को लेकर सवाल किए और पगड़ी उतारने को बोला, जिसका उसने विरोध किया। तेजपाल सिंह ने बताया कि वो योगी आदित्यनाथ से मिलने बहुत पहले से आता रहा है। वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के बाद शायद यह पहला मामला है जिसमें एक सिख समुदाय के व्यक्ति से इस तरह का व्यवहार। योगी आदित्यनाथ से मिलने पहुंचा एक सिख व्यक्ति और हो गया बवाल। मामला गोरखनाथ मंदिर का है, जब एक सिख यूपी के सीएम से मिलने पहुंचा था। योगी के सुरक्षा अधिकारियों ने पहले तो तेजपाल सिंह नाम के सिख से उसके कृपाण को लेकर सवाल किए और फिर उसके बाद पगड़ी उतारने को कहा। दरअसल तेजपाल सिंह गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने पहुंचा था और योगी से मिलने के लिए जब वो अंदर जा रहा था तो वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने तेजपाल से उसके कृपाण को लेकर सवाल किए और फिर उसको पगड़ी उतारने को बोला गया, जिसका तेजपाल सिंह ने विरोध किया। काफी देर तक बहस चली, वहां मौजूद लोगों ने भी तेजपाल सिंह का साथ दिया, जिसके बाद तेजपाल सिंह की मुलाकात यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से हुई। तेजपाल सिंह ने बताया कि योगी से मिलने के लिए जब वह अंतिम सुरक्षा घेरा पार कर रहा था तो वहां मौजूद एसएन सिद्धार्थ नाम के अधिकारी ने उससे कृपाण और पगड़ी को लेकर सवाल किए और पगड़ी उतारने को बोला, जिसका उसने विरोध किया। तेजपाल सिंह ने बताया कि वो योगी आदित्यनाथ से मिलने बहुत पहले से आता रहा है। वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के बाद शायद यह पहला मामला है जिसमें एक सिख समुदाय के व्यक्ति से इस तरह का व्यवहार।